2018 में जिस जमात को मुसल्लत किया गया, आज वो जमात कहाँ गई? जिसने नून लीग को तोड़ने का मंसूबा बनाया, आज उस जमात की किर्चियाँ भी नहीं मिलती। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ के कई दुश्मन आए और चले गए, अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को सुरखुरू किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मेयर कराची के लिए मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सलमान मुराद को नामजद कर दिया। निसार खोड़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि काशिफ शोरो मेयर हैदराबाद और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। मोहम्मद अनवार मेयर लाड़काना, अरसलान शेख मेयर सखर और अरशद मुगल डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम को गलत करार दे दिया, कहा चेयरमैन पीटीआई की आलमी मीडिया पर इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों की वजाहत गुमराह कुन और बैरून मुल्क राय साजों पर दबाव डालना है। सबको यकीन दिलाता हूँ मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा, इस बात को यकीनी बनाऊंगा हुकूक की खिलाफवर्जी न हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुतालिक अपनी तमाम आइनी और आलमी जिम्मेदारियों का एहतराम करे और पाबंद है। इलेक्शन होंगे लेकिन देखना होगा मुल्की हालात क्या हैं। इंतखाबात के मामले पर हम मुत्तफिका फैसला करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदलिया ने जानिबदारी का मुजाहरा किया तो अवामी अदालत गए। सरबरा JUI की अयाज सादिक से भाई के इंतकाल पर ताजियत, वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। जहांगीर तरीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी राब्ता करते रहते हैं, पीटीआई रहनुमा असद उमर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा दबाव बस यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। असद उमर की जमानत में 10 जून तक तौसी। साबिक रुकने कौमी असम्बली राना नज़ीर का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई को यादगार शहदा की बेहुरमती की गई। सिंध रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान ने भी पार्टी छोड़ दी, 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा शहदा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्तान से साबिक रुकने सूबाई असम्बली सबीन गुल और टिकट होल्डर शाजिया खाकी ने पार्टी से राहें जुदा कर ली, 9 मई के वाकयात की मजम्मत। जिना हाउस पर हमले का एक और सरगना बेनकाब, अली रजा ने वीडियो बयान में इंकशाफ किया, 9 मई को तयशुदा प्लान के मुताबिक शरपसंदी में हिस्सा लिया। हसन नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी प्लान में शामिल थे, उनके साथ मिलकर जिना हाउस में जलाओ घेराव का हिस्सा बना। सरबरा तहरीक इंसाफ की तकरीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। और मुल्क भर में पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी, डेरा गाजी खान के चर्च में पाक फौज से यकजहती की तकरीब, पाक पतन में रैली निकाली गई, डहरकी में हिंदू बरादरी ने पाक फौज से यकजहती का इजहार किया।